नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 8 अगस्त 2019 और हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप वीडियो को देख पाओ। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और वहाँ से ढेर सारी PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने किस शहर में SSAM की स्थापना का निर्णय लिया है? तो वह शहर है बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में SSAM यानी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखी है और इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में फैले हुए कचरों से बचाना। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, SSAM जो है यानी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, ये एक निष्क्रिय उपग्रहों से भारतीय उपग्रहों की रक्षा में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा और इससे विपरीत मौसम के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यह जो केंद्र है वह निष्क्रिय उपग्रहों के बारे में डेटा एकत्रित करेगा और इससे अंतरिक्ष में फैले हुए कचरे को हटाने और साथ ही साथ अंतरिक्ष के सतत उपयोग में भी सहायता मिलेगी। अब देखिए मैं आपको थोड़ी चीज़ और बता दूं कि वर्तमान में इसरो के 50 से अधिक उपग्रह कार्यशील हैं यानी कि एक्टिव हैं और ये उपग्रह संचार, नेविगेशन, निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले अंतरिक्ष में फैले हुए कचरों से संबंधित जानकारी को और मॉनिटरिंग के लिए इसरो नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड पर निर्भर था। ठीक है, किस पर निर्भर था? NORAD यानी कि नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड, इस पर निर्भर था, लेकिन अब अपनी खुद की एक सेंटर डेवलप कर रहा है। और इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना है वह 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था और 1972 में भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग के गठन से अंतरिक्ष शोध गतिविधियों में अतिरिक्त गति प्राप्त हुई थी। ठीक है, और इसरो के द्वारा ही 70 के टाइम में भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट और एप्पल जैसे प्रयोग किए गए थे, उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए थे और 80 के दशक में इंसेक्ट, IRS जैसे उपग्रह कार्यक्रम शुरू किए गए थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMMUBAC और VPM1002 नामक टीके किस रोग के लिए उपयोग किए जाएंगे? तो ये जो उपयोग किया जाना है वो TB के लिए। ठीक है, भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR, ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर दूं, भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद जो है इसने हाल ही में ट्यूबरकुलोसिस के लिए 2 नए टीके की इजाद की है, इसके लिए प्रशिक्षण शुरू किया है और 2 टीके जो हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं। इन 2 टीकों के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण के जो प्रारंभिक फैलाव हैं और अव्यक्त संक्रमण के जो रीएक्टिवेट होने की जो संभावना होती है उस पर रोक लगाई जा सकती है और भारत में TB के विरुद्ध लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इन दोनों टीकों का जो निर्माण है वह भारतीय दवा निर्माता कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है और किया जाएगा। तो अब देखिए 2 चीज़ों को मैं आपको बता दूं, ये जो IMMUBAC है इसका निर्माण जो है माइकोबैक्टीरियम इंडेक्स प्राणी, MIP भी इसे कहा जाता है, इसका निर्माण अहमदाबाद बेस्ड कैडिला फार्मास्यूटिकल्स द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं VPM1002 इसका जो निर्माण है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया और अभी वर्तमान में विश्व भर में बड़े पैमाने पर जो BCG है उस नाम टीके का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये टीका जो है 1 शताब्दी से भी अधिक पुराना है यानी कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा इसकी टीके की हो गई। तो ज़रूरत है हमें नए टीके को ईजाद करने की और इसी क्रम में भारत आगे बढ़ा है। अब बात आती है कि ट्रायल कहाँ कहाँ हुआ है, तो इस ट्रायल को देश के 6 राज्यों में 12,000 लोगों से अधिक लोगों पर किया जा रहा है और जो कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित हैं उन पे परीक्षण किया जा रहा है और इस ट्रायल में दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक के लोगों को शामिल किया गया और इस परीक्षण के आधार पर ICMR जो है वह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय को अनुशंसा प्रदान करेगा और ये टीके की मार्केट में लॉन्च हो पाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है,
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। दो चीजों को याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाई जाती है, लेकिन भारत में मित्रता दिवस जो है वह अगस्त के पहले सप्ताह का जो पहला जो रविवार आता है उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस विश्व भर में 30 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन भारत में मित्रता दिवस अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग तथा आइरिस स्कैनिंग सिस्टम को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने डिजिटल फिंगरप्रिंट तथा आइरिस स्कैनिंग सिस्टम को अंगीकृत किया है। आइरिस का मतलब आंखों से है ना। इस सिस्टम को ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AMBIS नाम दिया गया है। इससे पुलिस जांच पड़ताल में सरलता मिलेगी और AMBIS यूनिट में कंप्यूटर टर्मिनल, कामरेचा, आइरिस, फिंगरप्रिंट और हथेली को स्कैन करने वाली मशीन को शामिल किया जाएगा। केंद्र ने 4900 करोड़ रुपए की कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मेची किस नदी बेसिन की सहायक नदी है? तो ये जो है महानदी की है। केंद्र ने 4900 करोड़ रुपए की बिहार में कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और ये देश में मंजूर किया जाने वाला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, इससे पहले मध्य प्रदेश में केन बेतवा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, ये दूसरा है ना। और इस परियोजना से उत्तरी बिहार में बाढ़ से निजात मिलेगी, साथ ही साथ 2.14 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के लिए जल भी प्राप्त हो सकेगा। और इससे जो जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे वह जिला है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सभी मुख्य रूप से इसका लाभ ले सकेंगे। विक्टोरिया की सरकार द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो किया जाना है वो किया जाना शाहरुख खान को। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने अभिनेता शाहरुख खान को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत शाहरुख खान को यह पुरस्कार सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप मेंशन करते चलिएगा। हमेशा मैं बोलता हूँ जब तक आप उन चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबेरा है, लार्जेस्ट सिटी जो है सिडनी है, पीएम है स्कॉट मॉरिसन और जो करेंसी चलता है वो चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नाथ जोशी ने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता है, वे किस देश से ताल्लुक रखती हैं? तो है हमारे देश की, भारत की। ठीक है, भारत की नाज जोशी ने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता और नाज ने बेस्ट प्रोजेक्ट, मिस पीपल चॉइस एम्बेसडर एंड बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का भी खिताब जीता है। तो इस तरह से जो भी 8 अगस्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बनते हैं हमने इस वीडियो में आपको दी है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कोई कमी रही तो आप भी हमें सजेशन जरूर दीजिएगा। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और आप ढेर सारे PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।